Hello everyone. In today's session, we are going to talk about simple future tense. Now, what is future? इस moment के बाद का हर moment is future. So, talking about future is very simple in terms of structure and also while framing sentences. In simple future tense, we use will after the subject. That means, अगर आपको बोलना है कल मैं कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी, I will go to college tomorrow. Earlier, traditional pattern of English said, पुरानी आपने ग्रामर बुक्स में पढ़ा होगा कि I और we के साथ future tense में shall लगता है. But it is not so in today's English. आपको subject singular हो या plural हो, सब्जेक्ट में के बाद हमेशा विल आएगा एंड देन वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म. ऑलवेज रिमेंबर वर्ब एक्शन वर्ड्स एंड देयर फॉर्म्स. सो सब्जेक्ट हेयर कैन बी एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो. जैसे हमें अगर बोलना है कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो. कॉलेज विल कंडक्ट एग्जाम्स नेक्स्ट वीक. आई विल विजिट माई रिलेटिव्स ड्यूरिंग समर. सो एनी थिंग अबाउट फ्यूचर, फॉर एनी थिंग अबाउट फ्यूचर यू कैन यूज विल एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेज इन फ्यूचर, जो काम आप बोलना चाहते हैं मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, यू कैन यूज विल नॉट. आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो. एंड वन मोर थिंग, जब भी आपको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो विल नॉट बिकम्स वोंट. यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वोंट गो टू कॉलेज टुमारो, आई वोंट कम टू योर प्लेस, दे वोंट लिसन टू यू, इंडिया वोंट प्ले इन दिस मैच. विल नॉट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बिकम्स वोंट. नाउ हम हर टेंस में चार चीजें पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना. एंड यदि हमें क्वेश्चंस पूछना है अबाउट फ्यूचर, तो हमारा सेंटेंस, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए हमें वी हैव टू जस्ट कंफर्म द इंफॉर्मेशन, द क्वेश्चन विल बिगिन विथ विल. विल यू कम टुमारो, विल दे परफॉर्म इन द इवेंट. फॉर सच क्वेश्चंस आंसर विल बी यस दे विल परफॉर्म इन द इवेंट, और नेगेटिव इज नो दे वोंट परफॉर्म इन दिस इवेंट, दे वोंट पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. नाउ फॉर टेकिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, we can use will again as a helping verb after WH question word. Where will you go? Here I want to point out one thing. A common mistake is, generally people make question like where you will go, which is wrong. आपको हमेशा पहले helping verb use करना है. Sentence क्या बनेगा, where will you go tomorrow? और how will they come? वे लोग कैसे आएंगे, हाउ विल दे कम. करेक्शन क्या है, आपको हाउ दे विल कम नहीं बोलना है. क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ विल दे कम. इन ऑल सच क्वेश्चंस आपको WH क्वेश्चन के बाद पहले विल लगाना है, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस जनरली टॉक अबाउट अ डिटरमाइंड अ डिसाइडेड एक्शन. सोच रहा हूँ करूँगा वाला सिचुएशन नहीं बोलते हम विल का यूज करके. यहाँ हमारा सेंटेंस होता है मैं कल जाऊँगा, आई विल बाय अ न्यू ड्रेस ऑन माय बर्थडे. समथिंग विच इज डेफिनेट, विच इज डिफाइंड, विच इज योर इंटेंशन टू डू, वी कैन यूज सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर दैट.